हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि दोस्तों, आज आज मैक्सिमम जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके पास पूरा टाइम नहीं होता है कि वो 9 से 3, 9:15 से 3:30 बजे तक बैठें ट्रेडिंग में। फुल टाइम ट्रेडर हैं आप तो बात अलग है, आप इस चीज़ का यूज़ अपने फुल टाइम ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आप जो है पूरे दिन का प्रॉफिट ले लें, या पूरे दिन का जो आपका टारगेट है वो मीट कर लें कम से कम समय में, तो आप स्कैल्पिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में वही टेक्निक्स आपसे स्कैल्पिंग के बारे शेयर करूंगा, समझाऊंगा आपको कि स्कैल्पिंग होती क्या है, ताकि आप को पूरे ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग हो स्कैल्पिंग की। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कॉल्स देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जो भी मेरी कॉल्स आती हैं उसमें से आप उन कॉल्स पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ स्कैल्पिंग होती है कि आप जो है एक छोटी सी मूव जो है स्टॉक की, वो आप अपने वो आप सिर्फ छोटी सी मूव जो है आप अपने फेवर में रख रहे हैं, आपको पूरी मूव से कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक जो है पूरी मूव देता है, मान लीजिए कि ये वाला स्टॉक जो है, मान लीजिए NIIT, मैं आपको दिखाता हूँ NIIT टेक, यहाँ से लेके देखिए, ये NIIT टेक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल दी थी, मैंने यहाँ 13:22 के अराउंड कॉल दी थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हैं 14 अगस्त को, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पे देख सकते हैं कि NIIT टेक्नोलॉजी जो है मैंने वहाँ पे आपको 13:23 के आसपास कॉल दी थी, और ये देखिए पूरा दिन के बाद 13:44, 45 का हाई बनाया है। तो एक स्ट्रेटेजी तो इसमें ट्रेंड फॉलोइंग की होती है, वो ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रेटेजी हम अलग से किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसे मिक्स नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताता हूँ कि स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है छोटी सी मूव एक बड़े पोजीशन साइजिंग के अगेंस्ट कर रहे हैं। मतलब अभी तक मैं आपको ये बताता था कि पोजीशन साइजिंग आप इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्क पर ट्रेड लें, लेकिन इस केस में मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ। आप भी कहेंगे कि ये तो रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें खुद से करनी होती है, इसमें इसमें आपको मेंटल स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखना होता है। मान लीजिए मैं सारा कुछ यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसका ही NIIT टेक जो मैंने कॉल दी थी, मैं इसी का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो देखिए इसमें NIIT टेक में मैं जो है आपके लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ और आपको स्कैल्पिंग के बारे में समझाऊंगा। देखिए, ये मैंने जो कॉल है आपको यहाँ कहीं दी थी, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, यहाँ कहीं मैंने आपको कॉल दी थी 23 के आसपास, ठीक है। अब स्कैल्पिंग का रूल ये कहता है कि आप जो है बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग से छोटी मूव कैप्चर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये 1300 1300 के आसपास का स्टॉक है, तो इसमें देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी, कि मान लीजिए 1323 पे कॉल मिली तो ये कुछ सेकंड्स में ही, ये देखिए यहाँ पे 1323 के आसपास यहाँ कहीं मैंने कॉल दी होगी, तो ये 1323 से 1326 कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा या कुछ मिनटों में हो जाएगा। तो वो जो 4 से 5 पॉइंट की मूव आपके पास आ रही है, 4 से 5 पॉइंट की मूव आपके पास आ रही है, वो आप हाई पोजीशन साइजिंग से कर रहे हैं। मान लीजिए 1000 स्टॉक, 2000 स्टॉक से कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट की मूव, 1300 रुपये का जो 1323 पे कॉल मिली और जैसे ही 4 पॉइंट अप आया या 3 पॉइंट भी अप आया और आपने 2000 स्टॉक से वो किया है, तो आपको 6000 रुपये मिल रहे हैं। और वो भी आपको जो है इतनी वॉलेटिलिटी, देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एंट्री के पॉइंट्स होते हैं जहां से वो इतनी वॉलेटिलिटी तो आपको देता ही है कि 1300 का स्टॉक जो है आपको 3 से 4 पॉइंट अप चला जाए, और जैसे ही 3 पॉइंट अप गया आपको वो माइनस कर देना है 6000 के प्रॉफिट में। 3 पॉइंट, 2000 स्टॉक से ट्रेड कर रहे हैं तो 6000 के प्रॉफिट में आपको वो माइनस कर देना है, आपको लालच नहीं करना। इस स्ट्रेटेजी में, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने ऊपर अपने लालच पे काबू करना पड़ता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर वो 2 से 3 पॉइंट नीचे जाता भी है
और तो आपको आपको उसको 2 से 3 पॉइंट नीचे जाते ही निकाल देना है, आपको अपने लॉसेस को एक्यूमुलेट नहीं करना है। ये पॉइंट भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नीचे जाता रहा, मान लीजिए 1323 पे आपने एंट्री ली, और कोई एक ऐसा ट्रेड तो मिलता है कि 10 में से कोई एक बार तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो जब वो एक बार नीचे जा रहा है तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको 2 से 3 पॉइंट से ज्यादा का लॉस बियर नहीं करना है। अगर वो नीचे जाता जा रहा है, मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे चला गया, आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर आएगा तो मैं निकाल दूंगा, 10 पॉइंट का मतलब 2000 स्टॉक के साथ 20,000 का लॉस हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो है 2 से 3 पॉइंट नीचे जाते ही उसको माइनस भी कर देना है, स्कैल्पिंग का रूल ये कहता है। तो इन ऑल आपको स्कैल्पिंग में वॉलेटिलिटी का फायदा मिलता है, वॉलेटिलिटी की वो स्टॉक जो है काफी वॉलेटाइल मूव्स दे रहा है ऊपर की तरफ, तो आप वॉलेटिलिटी में जो है हाई पोजीशन साइजिंग से जो है 2 से 3 पॉइंट अपना वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये स्कैल्पिंग होती है। अब स्कैल्पिंग की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, इसमें पैटर्न बेस्ड स्कैल्पिंग भी होती है, और इसमें काफ़ी कोई एक स्टॉक जो है, मैं आप मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, कोई एक स्टॉक गिर रहा है और गिरने के बाद वो कुछ कंटिन्यूएशन का पैटर्न बना रहा है, तो वहां से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पूरा स्विंग भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है स्विंग्स बनाता जा रहा है, स्विंग्स कैसे बनाता है कि कोई स्टॉक एकदम तो ऊपर जाता नहीं, ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, रुकेगा, फ्लैग पैटर्न्स बनाता है, तो आप फ्लैग पैटर्न पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग सिंपल वे में ये होती है कि छोटी मूव आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको जो है छोटी, आप जो है स्विंग्स स्विंग्स को ऑब्जर्व कीजिए, और जब वो स्विंग या रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है और जो इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाला स्विंग भी आप अपने फेवर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्कैल्पिंग की इंट्रोडक्शन दी है, ये हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इसके बारे में आप चाहें तो इंटरनेट पर और ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं, और ज़्यादा आप इस चीज़ को हॉन कर सकते हैं कि आप इस चीज़ में ही परफेक्ट बने स्कैल्पिंग में। अगर आपके पास ट्रेडिंग पूरा दिन टर्मिनल के सामने बैठने का टाइम नहीं है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के कुछ इंटरवल्स होते हैं जब अच्छी मूव्स आती है, जैसे 9:15 से 10:30, और एक और ये अच्छी टिप है, और 2 से 3:15 बजे तक, ये 3:30 बजे तक अच्छी मूव्स आती हैं, वॉलीटिलिटी अच्छा ट्रेंड आता है, ये 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा दोपहर में, तो आप ये वाले इंटरवल स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।